मैडम आप बताइए सफलता की परिभाषा मतलब क्या सोचते हैं आप सफलता के बारे में, कामयाबी के बारे में? सर सफलता के लिए सबसे पहले जिसका मुख्य कारण रहता है कि अगर हमें सफल होना है अपने क्षेत्र में या अपने कार्य क्षेत्र में तो सबसे पहले हमें उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए, कभी भी हमें रुकना नहीं है, प्रयास करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। उसके लिए एक अपना जो है अपना जो एक लक्ष्य है उसको हमने को टारगेट करके आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए, लेकिन हमारे बीच में जो रुकावटें आती हैं उनसे कभी हमें हार नहीं मानना चाहिए और उन चीजों से हमें सीखते जाना चाहिए और अपनी कमियों को दूर करके फिर आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। सक्सेस का एक ही मतलब है जो दुनिया अभी भी नहीं समझ पा रही है, जो भी हम काम करते हैं, अगर हमारे पास एक एग्जांपल के रूप में एक फोन है, अगर आप फोन से क्लास ले रहे हो तो आपने किसी ने इसके इन्वेंशन किया होगा, किसी ने इसको डेवलप किया होगा, तो उसने उसकी चीज की सफलता उस चीज को करने के बाद वो सफल हुआ उस चीज पर, उस चीज की कामयाबी उसको मिली। वैसे ही अगर आप अवसर जो आपकी पीड़ा है उस समय पे जो आप कामयाब जो चीज करो किसी चीज को पाने के लिए आप कोशिश करो, मेहनत करो, हासिल करो, करने की कोशिश करो, तो आप कभी ना कभी उसको पा लेंगे। ये सक्सेस का एक सामने अपना अपना बताया, किसका अच्छा लगा आप लोगों को, किसके विचार सबसे ज्यादा अच्छा लगा? अच्छा लगा, सबको पता है सफलता के बारे में, ऐसा कोई पर्सन नहीं है क्या? सभी का पॉइंट अच्छा था, सबके रास्ते थे, लेकिन लास्ट गेट एंट्री थी वो काजा का। हाँ, उसका एक पॉइंट सबसे अच्छा पॉइंट था कि जो आपको आखिरी पॉइंट जो आप चाहते हो वो मिल जाए तो वो सफलता है, उसने वो बोला काजा ने, ठीक है। लेकिन अपन क्या सब जानते हैं सफलता क्या कहलाती है, लेकिन हम अपने नजरिया और अमित सर का नजरिया है वो आप लोग को बता रहे कि क्या है सफलता का मतलब। ये है कि आप जिसको जो चाह रहे हो वो मिल जाए वो तो सफलता है, लेकिन जिसमें आपको खुशी मिली वो सफलता है। सफलता का मतलब ये नहीं कि आप आज ये करोड़ रुपए भी कमा रहे लेकिन आप खुश नहीं हो, सही मायना वो है। अगर आज आप 2000 भी कमा रहे हो खुश हो तो वो सफलता है। मायना ये नहीं कि मैं जब मान के चलिए, अगर जो तो बात आपको पता है कि जब मेरे पास कार होगी तभी मैं ऐसा करूंगा, ऐसा लोग बोलते हैं, वो सफलता नहीं है। आपकी हर क्षण आप लोग कर रहे हो वही सफलता है। कल के दिन अगर आपने 100% काम करने का सोचा और आपने 50% किया तो क्या वो सफलता नहीं है? सफलता है। तो आप तो यही सोचोगे कि जब मुझे PSC में कलेक्टर बन जाऊंगा तो ही मेरे को सफलता मिलेगी, वो सफलता कहलाएगी क्या? सफलता पर स्टेप टू स्टेप आपने आज आप मान के चलिए कोई भी पर्सन है आज 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक पहुंच गया तो उसका स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ तो वो सफलता नहीं है। सफलता वही है कि जब मेरे को सरकारी नौकरी मिलेगी तभी मैं सफल कहलाऊंगा। कुछ भ्रम टूटा कि नहीं टूटा लोगों का? क्या टूटा फिर बताएगा? नहीं, वो सरकारी नौकरी तो छोड़ो, मेरा ये कहना है कि सफलता हर दिन इंसान को मिलती है। आप लोग सोचते हो कि जब मैं बन जाऊंगा 3 साल तब मैं सफल होऊंगा, ये गलत है। अगर आज कोई टेनिस मैडम टेनिस सीख रही है, टेनिस पहले उनसे बिल्कुल नहीं बनता था, आज टेनिस सीख रही है, जॉब के लायक बन रही है, तो ये सफलता नहीं है क्या? और उसमें खुशी मिल रही है, खुशी मिल रही है। तो सफलता की परिभाषा ये नहीं है कि जब मैं वो लोग क्या बोल रहे हैं अभी जिसने बोला ना कि मैं जो बन जाऊंगा तब मैं सफल कहलाऊंगा, ये गलत है। आप जो कर रहे हो अगर उसमें आप 100% दे रहे हो और आपको 80% मिल रहा है तो वो सफलता है। सबसे बड़ी दूसरी चीज है कि अगर आपका अगर आज आप कितनी एज है, किसकी नानी तो सबकी एज है 20 से 30, 80 भी होगी, 60 भी होगी, सब होगी। अब 80 के बाद आपके जीवन में ये ना रहे कि मैंने ये नहीं किया, पछतावा काश ना रहे, वो सफलता है। अभी कोई मैं सुन रहा था कि कोई अमेरिका की नर्स है, उसने पर वो किताब लिखी थी, बहुत पहली किताब लिखी थी उसने, उसकी किताब बहुत बिकी। उसके नर्स ने क्या, जो नर्स लोग रहते हैं ना, जो नर्स रहते हैं उनके पास ऐसे ऐसे केस आते हैं कि जब जो बुजुर्ग लोग पहुंचते हैं तो वो उनके पास जो नर्स लोग रहते हैं, नर्स से वो बताते हैं कि मैं अब जाने वाला हूँ और मैंने क्या नहीं किया। तो उसने 5 स्टेप
में किताब लिख दी, उसमें मतलब पांच स्टेप लिखे कि लोग क्या क्या नहीं कर पाते हैं। उसमें पहला स्टेप यही था कि लोगों के जीवन में कांस रह जाता है कि मेरे पास धन था, दौलत थी, समय था, लेकिन मैंने अपने जो सपने थे वो पूरे नहीं किए और मैं इस दुनिया से जा रहा हूं। पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप था मैंने व्यवहार नहीं निभाया समाज में, मैं व्यवहारिक नहीं था, मैं सिर्फ जीवन में क्या किया, आया, पढ़ा लिखा, शादी ब्याह की, घर बनाया, बेटी की शादी की, बाकी मैंने सामाजिक तक के कोई काम नहीं किए, मैंने समाज को कुछ नहीं दिया, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। दूसरा उसका पछतावा था, मतलब उसने रिसर्च किया, ऐसे ऐसे पछतावे मतलब आए उसके सामने। तीसरा पछतावा, मैंने कभी जीवन में किसी को आसानियां नहीं दी। आसानियों का मतलब समझते हो आप क्या कहलाता है? आसानियों का मतलब आपको और आपके पास है कुछ और आप उसको थोड़ा किसी को दे दो, बांट दो, शेयरिंग नहीं की, तो ये पछतावा था उसको। चौथा पछतावा था कि यार मैं जा, मतलब मेरे मैं जा भी रहा हूँ तो मेरे साथ कोई आज मेरे लड़के बच्चे भी नहीं है, तो मैंने वो कम्युनिकेशन गैप रखा उनके बीच, मैंने अपने मतलब मैं फ्रेंड जैसा नहीं था अपने लड़कों के बीच, लड़के और उनके बीच, अगर मैं फ्रेंड जैसे रहता तो वो कम्युनिकेशन गैप रखता, मैं उनकी सुनता हूँ, मेरी सुन लेता। ऐसा एक और पछतावा मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं तैयारी करके नहीं आया, मैं तो आज बोलने को अलग बात है। तो ऐसे सक्सेसफुल का कोई एज नहीं होता है, जैसे मतलब आप देख रहे हैं बबन ईरानी को देखिए, बॉलीवुड के एक्टर हैं, उन्होंने कौन से एज में अपने एक्टिंग की करियर शुरू की? आफ्टर 38 मतलब 40 की एज में वो आके जिस तरह से एक्टिंग की आज वो कहाँ पर एक सक्सेसफुल के एक मुकाम में। सही बात ये है कि जो लाइफ में आप करना चाहते हो अगर वो आपको परसेंट टू परसेंट मिलता जा रहा है, पूरा नहीं मिल रहा है, अलग बात है। अब जब मैं सोच रहा पूरा मिलेगा तभी मैं खुश होऊंगा, तभी मैं सफल होऊंगा, तभी मैं चार आदमी को बताऊंगा, परसेंट टू परसेंट मिलता जा रहा है, सबसे बड़ी सफलता वो है। और जीवन में सबसे बड़ी सफलता अगर आप खुश हो तो वो सबसे बड़ी सफलता है। ठीक है, समझ में आया सबको? तो कुछ तो समझ में आया, जो मानो धारणा बना के बैठे हैं कि मेरे को नौकरी मिल जाएगी बेंगलोर में तभी मैं सफल होऊंगा, तो वो जो आपका चार साल का जो समय है वो कहाँ चला गया? वो तो बर्बाद हो गया। आपने किसी से रिलेशन नहीं बनाया, ना खुश रहे, ना कुछ किया, और चार साल बाद हो सकता है बैंगलोर में नौकरी भी ना मिले, तो वो समय बर्बाद हो जाएगा। तो आप अगर जो भी कर रहे हो उसमें अगर आप कुछ 100% दे रहे हैं और 5% ही मिल रहा है तो वो सफलता है। ठीक है, सर भी अपने कुछ बताएंगे।